पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी से क्षेत्र के मजदूर और गरीब वर्ग परेशान हो रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी मात्र 3 MBBS डॉक्टरों के भरोसे लगभग 350 से अधिक मरीज रोज अस्पताल पहुंचते हैं, जिन्हें 1 या 2 चिकित्सक उपचार करते हैं, जिन्हें समय समय पर पाली शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती है, जिससे मरीजों को उपचार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है या प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए जाना मजबूरी हो जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में करीब 25 लाख रुपए की डिजिटल एक्सरे मशीन खरीदी गई थी, परंतु इसकी सुविधा आम जन को नहीं मिल पा रही है। कारण यह है कि पिछले 10 महीने से रेडियोग्राफर का पद खाली है, जिससे लाखों की मशीन रख रखाव के अभाव में खराब हो रही है। वह एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जो कि देश के मानचित्र पर अंकित है। इसके बावजूद जिला प्रशासन इस ओर अपना ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। देखा जाए तो यह औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण प्रतिदिन दुर्घटना होती ही रहती है। इसके बाद भी अस्थि रोग विशेषज्ञ नहीं है। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। कब से खड़े हैं यहाँ पर? मैं 3 घंटे। किस लिए आए हुए हैं? मैं आया था बुखार के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। इन्होंने दिखाया, उन्होंने चेकअप के लिए दिया और चेकअप के लिए 3 घंटे से बैठा हूँ। तो आप कहाँ नौकरी करते हैं? मैं पीथमपुर में करता हूँ। आपको हर बार नौकरी छोड़कर ऐसे ही आना पड़ता है यहाँ? हाँ, आना पड़ता है। कितने का नुकसान होता है आपका ये नौकरी छोड़ के आने के? एक दिन का 700 रुपये, 750। आपका नाम बता दीजिए। राम नारायण द्विवेदी जी। बताए कब से आए हैं आप यहाँ पर? मेरे को 2-2.5 घंटे हो गए। किस लिए आए हुए हैं? अपने बच्चे को पट्टी करवाने और सुई लगाने की थी, तो इंजेक्शन जैसे ही लगा उसको वो चक्कर खा के गिर गई, बेहोश हो गई। अच्छा, तो कब सर बैठे हुए हैं आप यहाँ पर? 2-2.5 घंटे हो गए। किसी डॉक्टर द्वारा आपसे अभी पूछा गया? पूछा था तो बोले है ना, इसको दवा गोली ले जाओ अपने घर, 1 महीने तक ये दवा गोली खिलाओ, इसको खून की कमी है। इसके पहले कितनी बार आप यहाँ चुके हो? इसको पहली बार लेकर आई हूँ। अच्छा, तो कितने घंटे हुए अभी आप कहाँ बैठे हुए? यहाँ पर ही बैठी थी, बाहर बैठी थी, फिर यहाँ आकर बैठी। आपका नाम बताइए। संगीता पथरिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।